तो महाराज ठाकुर जी सुबह सुबह सूरज उगते ही नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंच गया। सूरज केरे उगने पहुंचे नगर अंजार, हाट पाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार। मैं ठाकुर जी कवे के लियो बाबा जी आई गयो थारो अंजार, अब माने आज्ञा दे। नरसी जी कवे जावे कट तू मुण पावलो कुण गाली। ठाकुर जी कवे पूर्ण पावल री टाइम में बराबर आ जाऊं, अभी तो माने जाने दो जरूरी काम है। लुगाई भी छोड़ना आई हूं, लुगाई से ठाकुर जी भी डरे। ठाकुर जी कवे अभी तो माने जाने दो। ठाकुर जी तो गया, अब अठी ने सुबह सुबह कोकलिया जी महाराज भूलिया तो नहीं, जोशी जी याद है ना जो पत्रिका ले रहा था, तो नरसी जी ने देखिया तो बाने बड़ो आश्चर्य हुयो कि नरसी जी तो आई क्या। फिर साथ में वो टूटी गाड़ी देखी, सूरन देखिया। जोशी जी कवे कि आपा जार श्रीरंग जी ने खबर तो दे देवा और खबर ही बधाई तो ले लेवा, क्योंकि बाद में गाड़ी ने देख बधाई तो मिलने वाली है नहीं, झड़किया ही मिली कि थी ले रहा, तो आपा जार बधाई तो ले लेवा। जोशी जी जावे, जोशी दौड़ियो कोकलियो गयो सगारे के है, ब्याही आया गोरवे मोहे बधाई दे। जोशी जी कवे सेठ जी, सेठ जी कवे कह नहीं बधाई, शादी ब्याह में जिसके हाथ में पैसे होते हैं ना, पैसे यानी जिसे सबको पैसे देने पड़ते हैं, कि कभी कोई टेंट वाला आ रहा है, कभी खाने वाला आ रहा है, कभी कोई, वो आदमी बहुत चिड़चिड़ा होता है क्योंकि उसे पता हो रहा होता है कि असली में पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, वो बहुत चिड़चिड़ा होता है। और अगर कोई बिना मतलब के उससे पैसे मांग ले फिर तो महाराज तब बिना बात के अचानक से जोशी जी आकर कवे के बधाई बधाई। जोशी जी को के सेठ जी बधाई, सेठ जी कवे कहने बधाई, बोले तारा मार दार आई गया। श्री रंग जी कवे इतो मारो सामान लिखिया तो ही आई गया, बोले खाली हाथ थोड़ी आया, उनको तो बधाई चाहिए, सच बता नहीं सकते वो, तो कवे के खाली हाथ थोड़ी आया, खूब सामान लिया आया, खूब सामान। श्री रंग जी राजी होया, इरो मतलब नरसी मायरो रो इंतजाम कर लियो ने लेन आयो तो राजी हो। और श्री रंग जी एक रुपए रो सिक्को दियो, उस समय चांदी रो सिक्को चाल तो वो चांदी रो एक रुपए रो सिक्को दियो। सिक्का तो जोशी जी धोती रमाय ने कसकर बांध दिया। श्री रंग जी कवे बताओ तो सरी कहीं कहीं ले आया है, बोले इतना सामान ले आया है, इतना सामान ले आया है जितना थारे घर में कद आयो ही नहीं वेला। तुम भी कुल ले रहा है। श्री रंग जी कवे कपड़ा लत्ता भी लाया कि नहीं, बोले कपड़ा कपड़ा तो इतना एड़ा नवे डिजाइन रा कपड़ा कदे थारा पड़ रहा ही नहीं पेरिया हो। श्री रंग जी कवे लागे कोई जरिया रो थान वान लिया है तो माने जल्दी बताओ। जोशी जी कवे आपने बधाई तो मिल गई, अब आने भट्टो पकड़ाओ। जोशी जी कवे बेसड़ लारी बाता थे तो पूछो ही माती, राम जी बेसड़ लारी बाता पूछो ही माती, ओ थोड़ी काई।
तो महाराज श्री रंग जी कवे सब सुने। श्री रंग जी कवे ओ सामान ले आया तुम बात तुम मेरा कहीं करा मैं किराना रो सामान भी नहीं धरी जे सब तुम बात तुम भी टोपिया लंगोटिया सब सुनकर श्री रंग जी कवे लाऊं एक रुपया पाछ दो। जोशी जी कवे लियोड़ी बधाई तुम्हें पाछ नहीं दू। मैं जोशी जी तो गया अब अठीने गांव रा मिनक आवे के भाई श्री रंग जी जूनागढ़ सुतारा ब्याई जी आई गया बताओ कटे ठहराणो है। श्री रंग जी कवे घणो बत्तो मायरो लेण आवता तो बढ़िया सु बढ़िया जगह डेरा देरा आवता तुम बात तुम भी ले रहा है चोरी चोरी नहीं करे कठे डेरा देरा वहां जने श्री रंग जी री दुकान थी खूब पुरानी टूटी फूटी सालो साल तक झाड़ू फुआरी नहीं हुई वेला बोले बटे ठहरा दू खुद तो सामे ही नहीं गया। खोटी लाभ्या ही ने आंसू काटो नी परे अरे टूटियोड़ी ठपरी में जाका डेरा ही करे फूटियोड़ी हाटा में जठे माच्छर छे घाना अरे बठे तो दिराया डेरा नरसी के तड़ा। नरसी जी ने ठहरा दिया टूटी फूटी दुकान। अब सूरदास जी कवे नरसी जी चार दिनों बेवताया हमें स्नान कराओ। नरसी जी कटा पीन रो पानी रो कुछ पतो को नहीं और स्नान कराओ। सूरदास जी कवे नरसी जी आप मायरा में आया हाँ कोई टीका कांड वास्ते नहीं आयो कोई कुछ कले वो लेर नहीं आयो कोई आप वास्ते मिलन ही नहीं आयो। नरसी जी कवे आप जरा मायरदार हो तो एड़ा ही आवा करे बैठा बैठा राम राम करो। पर ज्यू ज्यू रात बड़े ठंड बढ़ती जाती। अब सब सूर्या कवे नरसी जी ठंड लागे नरसी जी मच्छर काटे नरसी जी भूख लागे नरसी जी कहीं करे वो कवे अठे किने जान तो मांग कनी गुदड़ा ही ले रहा तो अठे मने कौन देवे तो महाराज। पर जब नरसी जी भी कुछ नहीं कर सके तब सूरदास जी कवे नरसी जी आपरे आगे कही नरसी जी कवे की कोनी को लगा तो है हवा आवे तो बोले जने आप परे पीछे अरे बोले बोले तो खुलो खातो है कुछ हो तो सी थोड़ी लागती। बोले जने आप परे ऊपर कही है बोले आप परे ऊपर बात छपड़ो गालेड़ो है पाठड़िया नहीं अवे लाकड़ी री वो कवे लाकड़ी री बोले हाँ बोले जने काम करो वो छपड़ो ने नीचे ने को। अरे नरसी जी कवे क्यों नुकसान करो ब्याई जीरा अरे नुकसान नहीं करिया हाँ ब्यारे घर में चांद नो कंडो है और वो छपड़ो गिरायो धक महाराज। बोले हमें कहीं करा बोले हमें लगा दो तुली। अरे नरसी जी कवे मायरे में तो कुछ लिया ही नहीं भाई जरा नुकसान मेरा में करा नुकसान नहीं करिया हाँ चांद नो कंडो थे की करी करो और लगा दी तुली। अब वो पाठड़िया धड़ धड़ कर जले आग री ताप में ठंड नहीं लागे उजाला रे कारण सब कीड़ा मकोड़ा भाग गया। ठाकुर जी ने अच्छी व्यवस्था कर दी। अब अठीने नरसी जी ठाकुर जी ने कवे कि सावरा मैं तो आई गया थारो इंतजार है। ठाकुर जी ने मनावे अठीने वो रात नरसी जी किया तैसे तैसे निकाले। देखो अब कल सुबह कहीं होवे कहीं नहीं होवे नानी बाई ने ठा पड़े वो सब प्रसंग कल। श्री राधे पर कहते बोले सावरिया से जी की।
कई भक्त पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे दीवाने हो जाते हैं ठाकुर जी के भजनों पर, पागलों की तरह नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, इतने घंटे कथा में बैठते हैं। मेरे दिल में बच गयो प्यार।